गाइस, अगर आपके पास SBI का न्यू ATM कार्ड है और उसका जो कि पिन आप जनरेट करना चाहते हैं या पिन है जो कि चेंज करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले कि किस तरह से जो कि आप SBI कार्ड में जो कि नई पिन है जो कि आप जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो कि आपको कुछ चीजें जो कि आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहले जो कि आपका ATM कार्ड ले जाना है, इसके साथ साथ जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लेकर के आपको जाना होगा। जी हाँ गाइस, तो ये है जो मेरा SBI का ATM है, ये लव भाई एक डेढ़ महीना से ये घर पे ला करके रखा हुआ था, आज इसे लिया है, जिसमें जो कि YouTube का मेरा पेमेंट आया है इसी में, जो अभी निकाले नहीं है। तो फिलहाल आज इसे ले जाएंगे, ATM को एक्टिवेट करेंगे। तो पिन कैसे जनरेट होता है वो समय जो कि आज दिखाने वाले हैं। और इसके अंदर एक बुक मिलता है मैनुअल, जो शायद हम लोग का कोई काम का नहीं रहता है कुछ इस तरह से। तो फिलहाल ये प्रिंटिंग का रोजगार अभी चल रहा है इसके लिए है। ये अपना कार्ड है, गूगल पे से इसको लिंक करेंगे तब पैसा निकलेगा। गाइस, SBI ATM के पास आ गए हैं। यहाँ पे आने के बाद अपना कार्ड है जो कि इसमें इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के बाद देखिए थोड़ा सा वेट करना होगा, और उसके बाद कुछ इस तरह से आपको मैसेज आ जाएगा, डू नॉट रिमूव योर कार्ड, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे पिन जनरेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका अकाउंट नंबर है, वो अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो पहले हम लोग अकाउंट नंबर डाल लेते हैं। डालने के बाद आपको यहाँ पे कन्फर्म करना है। उसके बाद है जो कि आपको यहाँ पे आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको यहाँ कन्फर्म करना है। आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पे जो कि एक मैसेज गया होगा, तो आपको यहाँ पर जो कि कार्ड को निकाल लेना है। कार्ड निकाल करके फिर से जो कि आपको कार्ड को लगाना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे बैंकिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा, लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर जो कि आपको कोई भी नंबर एक सिलेक्ट आपको कर लेना, उसके बाद यस करना है। तो आपके नंबर पे जो कि एक मैसेज गया होगा कुछ इस तरह से, जिसमें जो कि यहाँ पे कार्ड का आपका नंबर होगा लास्ट का 4 डिजिट, उसके बाद जो कि यहाँ पर जो कि वर्ड में जो कि लिखा हुआ है जो कि आपका OTP है, ठीक है। ये OTP है जो कि वही नंबर है, वो नंबर आपको यहाँ पे अभी फिल करना होगा इस जगह पे। तो आपको फिल कर लेना है, उसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर जो कि पिन चेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पर जो कि आपको न्यू पिन है जो कि आपको डालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 डिजिट का एक नंबर हम यहाँ पे डाल लेते हैं, उसी नंबर को जो कि फिर से जो कि री इंटर आपको करना होगा। तो यहाँ पे री इंटर कर लेंगे, और उसके बाद आपको वेट करना होगा थोड़ा सा। वेट करने के बाद कुछ इस तरह से आपको मैसेज आ जाएगा, योर ट्रांजेक्शन हैव बीन प्रोसीड प्लीज वेट, ठीक है। इसके बाद देखिए कुछ इस तरह से जो कि मैसेज आ जाएगा, योर पिन हैव बीन चेंज सक्सेसफुली, ठीक है। तो आप इस तरह से जो कि अपना पिन को जेनरेट कर सकते हैं, साथ ही साथ जो कि आप अपना पिन को चेंज भी कर सकते हैं। गाइस, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको इसी तरीके का नॉलेज वीडियो आते रहता है। इस वीडियो से पहले जो कि क्या आपको जो कि पिन जनरेट करने आता था या पिन जो कि चेंज करने आता था, ये हमें कमेंट करके जरूर बतावे। और क्या आप जो कि सक्सेसफुली जो कि अपना पिन खुद से जो कि जनरेट कर पाए हैं या किसी का जो कि सहारा लिए, ये भी जो कि आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।